अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त युद्ध के इतिहास में सिर्फ बिरसा मुंडा ही रहे जिन्होंने नायक होने का ऐसा फर्ज निभाया कि उनको भगवान का दर्जा हासिल हो गया। एक ऐसा भगवान जिसने अपनी पूजा नहीं कराई बल्कि ये सिखाया कि गुलामी की जंजीर तोड़ने को लड़ना ही पड़ेगा। आज जब पूरी दुनिया के वैज्ञानिक पर्यावरण और जैव विविधता की चिंता में आदिवासियों का मुंह तक रहे हैं, वहीं भारत समेत अधिकांश विश्व में आदिवासी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चाकर सरकारों के दमन का शिकार हो रहे हैं। मुंडा जनजातियों ने 18वीं सदी से 20वीं सदी तक कई बार अंग्रेज सरकार, भारतीय शासकों, जमींदारों के खिलाफ विद्रोह करके आज़ादी का परचम बुलंद किया। बिरसा मुंडा की अगुवाई में 19वीं सदी के आखिर में हुए विद्रोह को उलगुलान यानी महान हलचल का नाम दिया गया या इसी नाम से जाना जाता है, जो उस सदी का सबसे क्रांतिकारी जनजातीय संघर्ष था। इस मुक्त युद्ध में हजारों मुंडा आदिवासियों ने शहादत देकर अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिला दी थी। बिरसा मुंडा ने मुंडा आदिवासियों को जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जागरूक किया तो सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्होंने धार्मिक उपदेशों के जरिए जब जागरूकता फैलाई तो आदिवासियों ने भगवान मान लिया। इस तरीके से बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के बीच कुरीतियों को भी खत्म करने का बीड़ा उठाया। 1898 में डोमरी पहाड़ियों पर मुंडाओं की विशाल सभा में आंदोलन की भूमिका तैयार हुई। 24 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने साथियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 5 जनवरी 1900 तक पूरे आज के झारखंड में विद्रोह आग की तरह फैल गया। ब्रिटिश फौज ने विद्रोह को कुचलने को दमन शुरू किया। 9 जनवरी को अंतिम युद्ध हुआ जिसमें हजारों मुंडा आदिवासियों की शहादत हुई और बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार लोगों में से 2 को फांसी, 40 को आजीवन कारावास, 6 को 14 वर्ष की सजा, 3 को 4 से 6 साल की जेल और 15 को 3 बरस की जेल हुई। बिरसा मुंडा पहले तो पुलिस की पकड़ में ही नहीं आए, लेकिन एक स्थानीय गद्दार की मुखबिरी से 3 मार्च को वो भी गिरफ्तार हो गए। तब तक वे जंगलों में भूखे प्यासे भटकने की वजह से कमजोर हो चुके थे। जेल में उन्हें हैजा हो गया और 9 जून 1900 को रांची जेल में उनका देहांत हो गया। उस समय उनकी उम्र महज 25 साल की थी।